हेलो फ्रेंड्स दिस इज सी अतुल मित्तल ऑथर ऑफ द बुक क्रक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर आई एस फिल्म एग्जाम फ्रेंड्स आप ये बुक आई एस सेल्फ स्टडी डॉट कॉम से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो आज हम देखते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फ्रेंड्स स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन होता है ये एन बी एफ सी क्या होती है नॉन बैंकिंग तो देखिए सबसे पहले आपको पता है बैंकिंग कंपनी होती है बैंकिंग कंपनी का मतलब क्या है जो बैंकिंग बिजनेस करती है तो बैंकिंग बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन में आरबीआई से लाइसेंस लेना होता है तो बैंकिंग कंपनियों को आरबीआई से लाइसेंस लेना होता है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है इनको भी आरबीआई से रजिस्ट्रेशन कराना होता है क्योंकि ये क्या है फाइनेंस कंपनी है ये बैंकिंग कंपनी नहीं है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है और एक वर्ड यूज होता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है कि बैंकिंग कंपनियों को आरबीआई से लाइसेंस लेना है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को भी आरबीआई से रजिस्ट्रेशन कराना होता है और तीसरे होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड है तो नाबार्ड क्या है नाबार्ड एक्ट में आया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है एक्जिम बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक में आई स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी है सिडबी सिडबी एक्ट में सेटअप हुआ इसी तरह एल है या जनरल इंश्योरेंस कंपनी है तो ये नेशनल हाउसिंग बैंक है तो इनके सबके क्या आए थे पार्लियामेंट से एक्ट से पास हुए फिर इनका सेटअप हुआ तो तीनों में यही डिफरेंस है बैंकिंग कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट में पार्लियामेंट में एक्ट पास होता है तब वो अप होते हैं अब देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में क्या आता है तो देखिए कोई भी कंपनी है सबसे पहले कंपनी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कंपनी जैक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तो कोई भी कंपनी है पहले कंपनी जैक्ट में रजिस्ट्रेशन कराएगी उसके बाद वो एनबीएफसी के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से रजिस्ट्रेशन कराएगी तो देखिए एनबीएफसी का मतलब है कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी जेट एंगेज इन बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांस एक्विजिशन ऑफ शेयर स्टॉक बॉन्ड एवेंचर इश्यूड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी लीजिंग कंपनी हायर परचेज कंपनी इंश्योरेंस बिजनेस चिट फंड कंपनी तो ये सारी क्या है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो इनको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन कराना होता है लेकिन देखिए इंश्योरेंस बिजनेस को आजकल आई देखता है हाउसिंग बिजनेस को नेशनल हाउसिंग बैंक देखता है तो आरबीआई ने क्या किया है कि जो दूसरे रेगुलेटर है तो जो कंपनियां दूसरे रेगुलेटर के अंदर आती है उनको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है देखिए देखिए आरबीआई की साइड पर दिया हुआ है तो देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इनको नेशनल हाउसिंग बैंक से रजिस्ट्रेशन कराना होगा मर्चेंट बैंकिंग कंपनी वेंचर कैपिटल फंड स्टॉक ब्रोकिंग है इनको सेविंग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा ये है तो एनबीएफसी बट दूसरे रेगुलेटर है इनके लिए इसी तरह निधि कंपनी इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा चिट फंड कंपनी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है स्टेट गवर्नमेंट के जो एक्ट है उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को आई से रजिस्ट्रेशन कराना होगा तो फ्रेंड्स म्यूचुअल ये जो एन है तो एनबीएफसी तो काफी सारी एनबीएफसी है जिनके दूसरे रेगुलेटर है वो वहां रजिस्ट्रेशन कराएंगे बाकी सारी एनवीएफसी आरबीआई से रजिस्ट्रेशन कराएंगे अब देखिए एनवीएफसी और बैंक में डिफरेंस क्या है देखो बैंकों का काम तो बैंकिंग बिजनेस है है भी लेती है, और लोन भी देती है लेकिन एनवीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपोजिट डिमांड डिपोजिट का मतलब है सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट की डिपोजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती एनवीएफसी टर्म डिपोजिट ले सकती है तो उसके लिए आरबीआई से रजिस्ट्रेशन कराना होगा एक डिपोजिट टेकिंग एनवीएफसी आपने वर्ड सुना होगा एनवीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एनवीएफसी चेक इश्यू जैसे बैंक आपको चेक बुक देती है आप चेक चेक करते करते हो करते हो पेमेंट नहीं कर सकती और डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी एनवीएफसी केस में अवेलेबल नहीं है जैसे बैंक डूब गई तो पांच लाख तक का डिपोजिट इंश्योरेंस मिलता है एनवीएफसी के के केस में आपको नहीं मिलेगा तो ये बेसिक स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं एनवीएफसी बैंक और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं इसके बाद अगर कोई एनवीएफसी केवल डिपोजिट रिसीव कर रही है उसका प्रिंसिपल बिजनेस है प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ रिसीविंग डिपोजिट है तो वो भी एनवीएफसी जिसे हम बोलते हैं रेजिडरी नॉन बैंकिंग कंपनी रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड अंबुडसमैन स्कीम देखिए इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन स्कीम क्या होती है कि आपका कोई भी बैंक से रिलेटेड या एनवीएफसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बैंक में कंप्लेन करोगे कि मुझे यह बैंकिंग सर्विस से प्रॉब्लम है तो बैंक को तीस दिन में क्या करना होता है तीस दिन में सेटलमेंट करना होता है अगर बैंक तीस दिन में सेटलमेंट नहीं कर कर पाता है तो आप आरबीआई का ऑफिसर होता है अंबुडसमैन अम्बुडसैन आरबीआई को आप कंप्लेन कर सकते हो तो आरबीआई ने इंटीग्रेटेड अम्बुडसमैन स्कीम लॉन्च की है कि अगर एनबीएफसी से रिलेटेड कोई भी डेफिशियंस इन सर्विस है बैंक से रिलेटेड कोई भी इन सर्विस है तो आप सबसे पहले तो इनको करोगे और अगर वहां सेटलमेंट नहीं होता तो आप RBI का है ये का ऑफिसर होता है चंडीगढ़ में ऑफिस है इनका वहां पे जा आप जाके या तो मेल कर सकते हो चंडीगढ़ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस है अम्बुडसमैन का वहां आप जाओ मेल कर सकते हो या आप लेटर भेज सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो भी है वो सेटलमेंट होगा जो भी आपकी कंप्लेन है और उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का वो अपीलेट अथॉरिटी है उसको आप अपील कर सकते हो अगर, अगर आप से सेटिस्फाइड नहीं हो तो इंटीग्रेटेड एम्बोर्समेंट स्कीम क्या है वन नेशन वन एम्बोर्समेंट अप्रोच है इंडिया की कि जितने भी एनबीएफसी और बैंक है उसके लिए एक ही एम्बोर्समैन रहेगा क्या है? कि जो बैंक है, है? है तो बैंक मतलब है इंश्योरेंस प्रोडक्ट रिवर्स मोर्डगेज रिवर्स मोर्डगेज में क्या है जो सीनियर सिटीजन है अकेला बंदा है इनकम का कोई सोर्स नहीं है तो वो अपने हाउस को क्या है बैंक को मोर्डगेज रख सकता है बैंक से उसको फिक्स इनकम मिलती रहेगी जब तक कि वो जीवित है उसके बाद डेथ होने के बाद क्या होगा बैंक उसकी प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा वसूल कर लेगी तो ये सीनियर सिटीजन को एक इनकम के लिए है merchant bank है है मर्चेंट मर्चेंट बैंक देखिए देखिए आजकल न्यूज में बहुत आता है। क्योंकि LIC का आईपी आने वाला है इसी महीने मार्च में तो एल का तो देखिए आईपीयू की बहुत लंबी प्रोसीजर होती है बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं सेवी में आपको ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट फाइल करना होता है फिर शेयर का अलॉटमेंट ये सब सारे काम होते हैं तो क्या ये सारे काम मर्चेंट बैंकर करता है तो इसके लिए कंपनी क्या करती है मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करती है मर्चेंट बैंकर कोई भी हो सकता है इंडिविजुअल भी हो सकता है कंपनी भी हो सकती है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं कोई भी हो सकता है वो पूरा इससे मैनेजमेंट देखता है लेटर ऑफ क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी बोलते हैं शॉर्ट में इसको लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है देखिए एलसी पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज होती थी जैसे जैसे आपको इंडिया में हो आप और आपको यूएस में यूएस में किसी कंपनी को गुड्स सेल कर रहे हो आप अब आपने सपोज एक लाख का गुड्स सेल किया एक लाख का गुड सेल किया यूएस की कंपनी को और यूएस की कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो आप क्या करोगे तो इस केस में क्या होता है एलसी ओपन होती है तो आप क्या करोगे यूएस की जो कंपनी है आप उससे कहोगे भाई एक एलसी ओपन करो एक लाख रुपए की तो यूएस की कंपनी अपने बैंक को बोलेगी एलसी ओपन करने के लिए एक लाख रुपए की एक लाख रुपए की लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी ओपन करके एलसी के डॉक्यूमेंट इंडियन कंपनी को दे देगी इसके बाद इंडियन कंपनी कंपनी यूएस की को गुड्स सप्लाई करेगी अगर गुड्स एच पर टर्म्स एंड कंडीशन है तो उसके बाद इंडियन कंपनी एलसी के पेपर अपने बैंक को फाइल करेगी और बैंक इस बैंक से यूएस की बैंक से पैसा लेके इंडियन कंपनी के अकाउंट में जमा करा देगा तो एलसी को आप रिवोक नहीं कर सकते आपने एक बार एलसी इश्यू कर दी तो और गुड सप्लाई हो गया उसके बाद यूएस की कंपनी एलसी को रिवोक नहीं कर सकती इंडियन कंपनी को पेमेंट मिल जाएगा तो ये देखिए पहले एलसी का जो कॉन्सेप्ट था वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता था लेकिन अभी डोमेस्टिक में भी हो रहा है अभी आप देखिए स्टील की डिमांड एकदम बढ़ गई है स्टील की प्राइस बढ़ गई है अगर आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से स्टील परचेज करोगे जो कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से स्टील परचेज करती है तो वो भी कहती है भाई एलसी ओपन करके दो आपको एक महीने का क्रेडिट चाहिए एक महीने बाद की एल दे दो, दो महीने का क्रेडिट चाहिए दो महीने बाद की एल ओपन करा दो लेकिन मैं गुड्स का सप्लाई स्टील सप्लाई तभी करूंगा जब आप एल ओपन करके दोगे तो आजकल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इन्होंने भी क्या है डोमेस्टिक कंपनियां भी एल सी को कर रही है क्योंकि एल के केस में क्या है कि अगर दो महीने की एल है तो दो महीने बाद क्या है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पेमेंट मिल जाएगा बैंक के थ्रू और देखिए अगर नॉर्म बिना एल के अगर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टील सप्लाई किया बाद में कंपनी ने छह महीने लगा दिए साल भर लगा दिए पेमेंट में तो इसलिए डोमेस्टिक कंपनी भी एल ओपन करने के लिए बोल रही है बैंक गारंटी देखिए बैंक गारंटी क्या है जैसे आप बिल्डर हो आप बिल्डर हो या डेवलपर हो और आपको रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला गवर्नमेंट से हंड्रेड करोड़ का रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो जब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो क्या होता है एक तो देखिए होता है ई होती है और एक सिक्योरिटी डिपोजिट होती है आपने अगर वर्ड सुना हो, EMD और सिक्योरिटी डिपोजिट जब देखिए जब आप टेंडर में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको ई देनी होती है अर्नेस्ट मनी डिपोजिट जब आप किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हो अगर आपको टेंडर मिल गया तो तो ठीक है ई एमडी सिक्योरिटी डिपोजिट में कन्वर्ट हो जाती है या ई एमडी आपकी रिफंड हो जाएगी अगर आपको टेंडर नहीं मिला कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो आपकी ई एमडी रिफंड हो जाएगी तो ई एमडी इसलिए लेते हैं कि भाई कि आप जो भी है ई एमडी का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है अगर हंड्रेड करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो करीब इसमें पचास लाख से लेके एक करोड़ तक ई एमडी होती है ई एमडी इसलिए होती है कि जो इंटरेस्टेड पार्टी है केवल वही पार्टिसिपेट कर रही है ये नहीं कि हर कोई टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहा है दूसरा क्या है सिक्योरिटी डिपोजिट जब आपको हंड्रेड करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो गवर्नमेंट कहेगी कि भाई मुझे सिक्योरिटी डिपोजिट दो कल को आप भाग गए तो तो सिक्योरिटी डिपोजिट जनरली फाइव परसेंट के आसपास होती है आपको फाइव करोड़ की सिक्योरिटी डिपोजिट देनी पड़ेगी अब सिक्योरिटी डिपोजिट के केस में आप या तो फिक्स डिपोजिट दे दो आपके पास बैंक में एफ पड़ी है आपने गवर्नमेंट को पांच करोड़ की अपनी एफडीआर की सीड दे दी सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में या दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन होता है बैंक गारंटी आप अपने बैंक के पास जाइए और बैंक में आपकी एफडीआर पड़ी हुई है बहुत सारे डिपोजिट पड़े हुए हैं आप अपने बैंक से बोलिए कि पांच करोड़ की बैंक गारंटी इश्यू कीजिए किसके नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पांच करोड़ की बैंक गारंटी इश्यू कीजिए तो उसमें क्या होगा कि आप देखिए रोड बनाओगे ठीक है अब यदि आप बीच में भाग जाते हो आप बीच में भाग जाते हो तो उस केस में यह आपने कॉन्ट्रैक्ट डिले कर दिया गवर्नमेंट आप पे पेनल्टी लगाती है तो गवर्नमेंट पैसा कहां से वसूल करेगी गवर्नमेंट बीजी को एनकेस करा लेगी पांच करोड़ की बैंक गारंटी पड़ी है आप भाग गए तो बीजी एनकेस करा लेगी या आप पे पेनल्टी लगानी है पैसा नहीं है तो बीजीएनकेस करके गवर्नमेंट अपना पैसा वसूल कर लेगी तो ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बैंक गारंटी इससे होती है तो बैंक को फायदा क्या है बैंक को बैंक गारंटी का कमीशन मिलता है स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक दोनों में डिफरेंस क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब है सिंपल बैंक से ही है ये स्मॉल बैंक है ठीक है लेकिन इनका काम क्या है बैंकिंग एक्टिविटी है ये पब्लिक से डिपोजिट भी इन्वाइट करेंगे लैंडिंग भी करेंगे लेकिन ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनका सेवेंटी फाइव परसेंट लैंडिंग जो है देखिए कमर्शियल बैंक है या फॉरेन बैंक है उनको फोर्टी परसेंट लोन प्राइविटी सेक्टर को देने होते हैं इनको सेवेंटी फाइव परसेंट लोन प्राइविटी सेक्टर को देने होते हैं तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आए थे मिनिमम कैपिटल हंड्रेड करोड़ होनी चाहिए इनकी और ये देखिए बैंकिंग एक्टिविटी भी करेंगे डिपोजिट भी एक्सेप्ट करेंगे लैंडिंग भी करेंगे लैंडिंग किसको करनी है अनसफ्ट एंड अंडर सफ्ड सेक्शन इंक्लूडिंग स्मॉल बिजनेस यूनिट मार्जिनल फार्मर स्मॉल फार्मर एमएसएमई इनको लैंडिंग करनी है अब इसमें डिफरेंस क्या है पेमेंट बैंक में पेमेंट बैंक जो है वो डिपोजिट तो एक्सेप्ट करेंगे लेकिन लैंडिंग नहीं कर सकते स्मॉल फाइनेंस बैंक लैंडिंग भी कर सकते हैं तो पेमेंट बैंक है अच्छा पेमेंट बैंक में क्या है कि पर डिपोजिटर मैक्सिमम बैलेंस दो लाख रुपए ही रख सकते हैं तो पेमेंट बैंक क्या लैंडिंग नहीं करेंगे ये देखिए ये फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करेंगे स्मॉल सेविंग बैंक अकाउंट है ये सब ओपन करेंगे ये एटीएम इश्यू कर सकते हैं बट क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकते कैन नॉट इश्यू क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड इश्यू अब देखिए ये डिपोजिट तो लेंगे पर लैंडिंग नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कहां से कमाएंगे तो इनके लिए ये है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड है इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं लैंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते इनके लिए भी हंड्रेड करोड़ की कैपिटल है इसके बाद डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपोर्टेंट बैंक देखिए डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपोर्टेंट बैंक क्या है डीएसआईबी आरबीआई ने एसबीआई एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को डीएसआईबी डिक्लेयर किया है देखिए सिस्टमिकली इंपोर्टेंट देखिए 2007 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डूब गए थे बैंक डूब गए थे यूएस में उसका इंपैक्ट क्या हुआ था फाइनेंशियल सेक्टर का इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी पे हुआ था वर्ल्ड ओवर तो उसके बाद क्या है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है सेंट्रल बैंक जो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके मेंबर होते हैं जैसे सेबी का चेयरमैन भी इसका मेंबर है आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर भी मेंबर है इकोनॉमिक अफेयर का सेक्रेटरी है वो भी इसका मेंबर है ये क्या है? ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो बेसल स्विटरलैंड में उससे एफिलियेटेड है ये वहां इसका सेक्रेटेरिएट है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने 2010 में कहा कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक डिसाइड करें सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक का मतलब है कि ये बड़े बैंक हैं इनका इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा वर्चस्व है कि अगर ये बैंक डूब गए आप सोचिए अगर एस बैंक डूब गई इंडिया में तो क्या होगा एच डी डूब गई तो क्या होगा तो इनका क्या है कि एक्सपोजर इतना ज्यादा है ये इतने बड़े एरिया को सर्व करते हैं इवन इंटरनेशनल मतलब हर हर कंट्री में इनकी ब्रांचेज हैं अगर ये डूब गए तो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर डूब जाएगा और उसका इकोनॉमी पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो आरबीआई क्या करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड तो ग्लोबल ग्लोबल सिस्टमिकली इंपोर्टेंट बैंक डिक्लेयर करता है और आरबीआई डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपोर्टेंट में इन बैंकों को क्या करना होता है इन बैंकों को ज्यादा कैपिटल मेंटेन करनी होती है जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैपिटल कंजर्वेशन बफर बैंक मेंटेन करते हैं इनको क्या है एडिशनल कैपिटल टीयर वन कैपिटल और मेंटेन करनी होती है दूसरा आरबीआई की सुपरविजन भी ज्यादा होता है आरबीआई इनको ज्यादा सुपरवाइज करता है कि ये बैंक डूब ना जाए इसी तरह इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है यह डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपोर्टेंट इंश्योर की लिस्ट डिक्लेयर करता है देखिए एल है एलआईसी सबको पता है अभी आईपीओ आ रहा है इस महीने तो एल इतना बड़ा है कि अगर ये डूब गया तो पूरा इंश्योरेंस सेक्टर ही तबाह हो जाएगा इसी तरह जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये ये इंडिया की री इंश्योरेंस कंपनी है जो री इंश्योरेंस करती है और नेशनल इंडिया एश्योरेंस कंपनी ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है तो ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये लाइफ इंश्योरेंस है और ये क्या है री इंश्योरेंस है जो री इंश्योरेंस करती है जैसे सपोज न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के पास आया एरोप्लेन का इंश्योरेंस करो तो एरोप्लेन इतना बड़ा रिस्क है कि एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो गया कुछ भी हो गया तो ये तो बंद हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी तो ये क्या करते हैं री इंश्योरेंस कराते हैं तो उससे क्या है रिस्क क्या हो जाता है रिस्क ट्रांसफर हो जाता है तो ये तीन इंश्योरेंस कंपनियाँ ये डोमेस्टिक सिस्टम के लिए इंपोर्टेंट इंश्योरेंस है प्रिलिम्स के लिए इंपोर्टेंट है तो इनको क्या करता है आई इनको ज़्यादा सुपरवाइजरी एक्शन लेता है ज़्यादा इनको सुपरवाइज करता है कि ये डूब ना जाए बैंक ब्यूरो बोर्ड देखिए बैंक ब्यूरो बोर्ड बीबीबी इसका रोल क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके हेड को सेलेक्ट करता है ये आपने न्यूज पेपर में देखा होगा बैंक ब्यूरो बोर्ड के एडवर्टीजमेंट होते हैं कि बैंकों में सीएमडी या डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए ये लोग क्या करते हैं एडवर्टीजमेंट निकालते हैं तो एक अप्रैल दो से इसने फंक्शनिंग स्टार्ट की है में क्वेश्चन आया था कि चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक सेलेक्टेड बाय दी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर पाओगे तो बैंक ब्यूरो बोर्ड तो थैंक यू फ्रेंड्स आपको हमारी क्लास पसंद आई हो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए आप ये नोट्स आई एस सेल्फ से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं ये मेरा मोबाइल नंबर है अगर आपको इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सअप टेलीग्राम कर सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स